तो बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का डिस्कशन कंप्लीट किया था और अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फोर्थ लॉ लिखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन तो देखो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का डिस्कशन एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। और फिर इसी के बेसिस पे हम एक और लॉ को कंसिडर करते हैं जो इसी पे बेस्ड है, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, वो भी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है। तो पहले मैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बता रहा हूँ, फिर उसके बाद लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम को डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, और फिर उसके बाद आज मोल कंसेप्ट जो है स्टार्ट हो जाएगा। और फिर बाकी जो जैसे लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की मैं बात कर रहा हूं, नहीं अभी कुछ नहीं करा है, मैं जस्ट क्लास स्टार्ट ही कर रहा हूं। तो जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की मैं बात कर रहा हूं, ये मैं हम लोग आगे देखेंगे इसको। तो अब आप नोट करो, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन नोट करो, स्टेटमेंट स्टेटमेंट लिखो इसका, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन डेफिनेट मास, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी, कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी, कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स, टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स, देन दे आर कंबाइनिंग मासेस। चलो मैं एक बार स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कई सारे लोगों ने अभी बाद में ज्वाइन किया है। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या है, मैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन का स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं। तो स्टेटमेंट नोट करो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स, कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी, कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स बी एंड सी टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स, टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स, टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड्स, देन दे आर कंबाइनिंग मासेस, देन दे आर कंबाइनिंग मासेस आर इन द सेम प्रपोर्शन, देन दे आर कंबाइनिंग मासेस आर इन द सेम प्रपोर्शन,
when their combining masses are in the same proportion or then their combining masses are in the same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C, which combine with a fixed mass of A, मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट को रिपीट कर दे रहा हूं, ठीक है? जिसका जो भी छूटा है आप उसको नोट कर लेना, बाकी अभी स्टेटमेंट का मतलब आपको कुछ नहीं समझ में आया होगा, मुझे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाकर के इसकी मीनिंग क्लियर होगी। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में मैंने लिखवाया है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए combines with two other elements B and C to form their binary compounds, then their combining masses are in the same proportion or bear a simple ratio to the masses of B and C, which combine with fixed mass of A. तो अब जैसे देखो बेटा, यहां पे हम इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास तीन एलिमेंट है, एलिमेंट ए, एलिमेंट बी एंड एलिमेंट सी। ये तीन एलिमेंट हमने कंसीडर किए, ए बी सी, ठीक है? अब यहां पे देखो, एक बार ए बी के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, एक बार ए सी के साथ कंबाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, और एक बार ये बी और सी आपस में कंबाइन करके कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये दो दो एलिमेंट का जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, ये दो दो एलिमेंट का जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, इस कंपाउंड को हम बाइनरी कंपाउंड बोलेंगे, ठीक है? तो एक कंपाउंड हमने ए और बी के कॉम्बिनेशन से फॉर्म किया है, एक कंपाउंड हमने ए और सी के कॉम्बिनेशन से फॉर्म किया है, और एक कंपाउंड हम बी और सी के कॉम्बिनेशन से फॉर्म कर रहे हैं। अगर मान लो ए और बी के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, वो कंपाउंड है ए एक्स बी वाई। इसी तरीके से ए और सी के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, एज्यूम करते हैं वो कंपाउंड है ए एक्स सी जेड। ऐसे ही बी और सी के कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है, एज्यूम करते हैं वो है बी वाई सी जेड। ठीक है, अब देखो हम यहां पे बोल रहे हैं कि ये एलिमेंट ए का हमने कुछ अमाउंट को फिक्स कर दिया है,
एलिमेंट ए का हमने कुछ अमाउंट को फिक्स कर दिया है, मान लो जो अमाउंट हमने एलिमेंट ए का फिक्स किया है वो है डब्ल्यू ए ग्राम, एलिमेंट ए का डब्ल्यू ए ग्राम हमने फिक्स कर दिया है। इसी फिक्स्ड अमाउंट से एलिमेंट बी का सर्टेन अमाउंट रिएक्ट करके इस कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। तो मान लो हम बोलते हैं कि इस डब्ल्यू ए ग्राम से एलिमेंट बी का डब्ल्यू बी ग्राम जब कंबाइन करता है तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है ए एक्स बी वाई। ठीक है, डब्ल्यू ए ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विथ डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ बी टू प्रोड्यूस कंपाउंड ए एक्स बी वाई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है जो मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं? यस सर। सर दोनों फिक्स करें या ए को फिक्स करें? नहीं, अभी हमने सिर्फ ए का अमाउंट को फिक्स किया। ए का फिक्स्ड अमाउंट जिसको हम बोल रहे हैं डब्ल्यू ए ग्राम, इस अमाउंट से बी का डब्ल्यू बी ग्राम कंबाइन करके ये वाला कंपाउंड बनाता है ए एक्स बी वाई। अब हम बोल रहे हैं ए का सेम अमाउंट, ठीक है, ए का यही अमाउंट हम कंसीडर कर रहे हैं, इस अमाउंट से मान लेते हैं सी का डब्ल्यू सी ग्राम कंबाइन करता है तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है ए एक्स सी जेड। ए का डब्ल्यू ए ग्राम को हमने यहां पे कंसीडर किया है और इस डब्ल्यू ए ग्राम से सी का डब्ल्यू सी ग्राम अगर कंबाइन करता है तो ये कंपाउंड ए एक्स सी जेड बन जाता है। अब हम ये बोल रहे हैं कि जब ये बी और सी आपस में कंबाइन करेंगे, ठीक है, ये बी और सी जिन जो कि ए के फिक्स अमाउंट डब्ल्यू ए ग्राम से कंबाइन करके ये बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं बी और सी तो जिस मास रेशियो में ये कंबाइन करते हैं वो मास रेशियो बी और सी का या तो इस मास रेशियो के बराबर होगा जो ए के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है या इस मास रेशियो के सिंपल रेशियो के बराबर होगा। यानी कि हम इसको ऐसे लिखेंगे, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अमाउंट ऑफ बी अपॉन अमाउंट ऑफ सी कहां पे इन बी वाई सी जेड, अमाउंट ऑफ बी अपॉन अमाउंट ऑफ सी इन बी वाई सी जेड मस्ट बी इक्वल टू के टाइम्स अमाउंट ऑफ बी अपॉन अमाउंट ऑफ सी विच कंबाइंस which combines with fixed mass of A। ठीक है, ये हम देखो यहां पे हम ले रहे हैं B और C का वो मास रेशियो जिस मास रेशियो के टर्म्स में ये इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर ये मास रेशियो K टाइम्स बी और सी के उस मास रेशियो के बराबर है जो ए के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, यानी कि ए के डब्ल्यू ए ग्राम से कंबाइन कर रहा है, और अगर ऐसा करने पे ये के वैल्यू जो हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं, अगर ये के वैल्यू सिंपल रेशियो आती है, इफ के इज सिंपल रेशियो का क्या मतलब है, लास्ट क्लास में बताया था, इफ के इज सिंपल रेशियो देन लॉ ऑफ Reciprocal proportion is followed। अब मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पूरी बात को ध्यान से समझो।
हमारे पास तीन एलिमेंट है ए बी और सी, ठीक है, तीन एलिमेंट है ए बी एंड सी। अब देखो इस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम इन तीनों एलिमेंट को एक ट्रायंगल के वर्टेक्स पे रख रहे हैं, इसीलिए लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समटाइम्स लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को कई बार लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोलते हैं, ठीक है, तो ये लॉ ऑफ ट्रायंगल भी बोला जाता है। तो यहां पे हमने तीन एलिमेंट लिया ए बी और सी। अब ये तीन एलिमेंट में एलिमेंट ए का हमने कुछ अमाउंट को फिक्स कर लिया है, मान लो एलिमेंट ए का जो अमाउंट हमने फिक्स किया है वो है डब्ल्यू ए ग्राम, तो डब्ल्यू ए ग्राम ए का हमने फिक्स कर लिया। अब इस फिक्स्ड अमाउंट से बी का डब्ल्यू बी ग्राम जब हम कंबाइन कराते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है ए एक्स बी वाई, ठीक है। इस डब्ल्यू ए ग्राम से डब्ल्यू ए ग्राम ऑफ ए से डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ बी जब कंप्लीटली रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड ए एक्स बी वाई का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से बोल रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ ए से सी का जब डब्ल्यू सी ग्राम कंबाइन करता है तो ये वाला कंपाउंड बन जाता है ए एक्स सी जेड। अब बोल रहा है कि जब एलिमेंट बी और सी आपस में कंबाइन करते हैं और कंबाइन करके मान लो इस बाइनरी कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इस कंपाउंड के अंदर जो बी और सी का मास रेशियो होगा, ठीक है, इस कंपाउंड के अंदर जो बी और सी का मास रेशियो होगा वो या तो इस मास रेशियो के बराबर होगा जो ए के फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहा है, या इस मास रेशियो के सिंपल रेशियो के बराबर होगा। सिंपल रेशियो का मतलब ये के, तो या तो इसी मास रेशियो के बराबर होगा या इस मास रेशियो के सिंपल रेशियो के बराबर होगा। अगर हम यहां से ये के वैल्यू को निकालते हैं और के वैल्यू सिंपल रेशियो आ जाती है तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होता है। अब बोलो बेटा ये स्टेटमेंट समझ में आया कैसे हम लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं? Yes. सर एक बार ये बी एंड सी वाला बता दो। मैं अभी रिपीट कर देता हूं, अब मैं एक बार बोलूंगा, एक बार फिर से स्टेटमेंट पहले लॉ का स्टेटमेंट को पहले खुद से पढ़ो। लॉ का स्टेटमेंट को पहले अपने आप से इसका स्टेटमेंट रिपीट कर दो सर, वो मैं लेट आया था। चार बार रिपीट कर चुका हूं सैनी साहब, चलो फिर से रिपीट कर देता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट ए कंबाइंस विथ टू अदर एलिमेंट्स combines with two other elements B and C, combines with two other elements B and C to form their binary compounds, then their combining masses are in the same proportion, or bear a simple ratio to the masses of B and C. To the masses of B and C, which combines with fixed mass of A. ठीक है, ये है लॉ का स्टेटमेंट।
तो तनिष्क को नहीं समझ में आया, तनिष्क। सर तो एक बार मैं इसी स्टेटमेंट को फिर से रिपीट करूं, इसको एक्सप्लेन करूं, या एक एग्जांपल लेकर के समझाऊं? हाँ, सर एक एग्जांपल ले लो, के साथ ये दो। बात, ये बात, थोड़ी गाड़ी आगे भी बढ़ेगी और आपका दिमाग भी चलेगा। चलो, तो फिर तनिष्क, यस सर अब तुम मुझे तीन एलिमेंट बताओगे, ठीक है? तीन एलिमेंट का नेम बताओगे, लेकिन एलिमेंट ऐसे होने चाहिए, ध्यान रखना, जिससे कि उनमें से दो दो एलिमेंट का कंपाउंड भी तुम बता सको। ऐसे कोई तीन एलिमेंट बताओ। बोलो तनिष्क। एने एनए ले लिया, चलो ठीक है, एनए ले लिया भाई। और ओ ऑक्सीजन, ठीक है, और सल्फर सल्फर, वेरी गुड। तो तनिष्क कंपाउंड भी बताओ बेटा, फॉर्मूला सोडियम ऑक्साइड बता। Any2O। Na2O, वेरी गुड। और बताओ, सोडियम और सल्फर का कंपाउंड। सर ये तो पता नहीं, इसका ये तो तो पता पता नहीं है। चलो, तुम्हें नहीं पता तो मुझे पता है, Na2S, ठीक है, सोडियम सल्फाइड। अच्छा, और ये ऑक्सीजन और सल्फर का कंपाउंड बताओ। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। चलो भाई, अच्छा आप मुझे ये बताओ, फिक्स्ड एलिमेंट मैं किसको कंसीडर करूं? तुम्हारी मर्जी से सारा काम होगा। हाँ, एनी एनए को, चलो ठीक है, एनए को फिक्स कर लिया। आप बता सकते हो एनए का कितना अमाउंट को फिक्स करें? 1 ग्राम। अच्छा, 1 ग्राम को फिक्स करें? ना, ये बात मैं तुम्हारी नहीं मानता। देखो, इस कंपाउंड के अंदर सोडियम के दो एटम हैं, दिख रहे हैं? यस सर इस कंपाउंड के अंदर भी सोडियम के दो एटम दिख रहे हैं। यस सर सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। यस सर 23। तो दो सोडियम एटम का मास कितना हो जाएगा? 46। 46 हो जाएगा। तो मैं फिक्स करता हूं 46 ग्राम को। तनिष्क, समझ में आया कितना अमाउंट फिक्स करना है? यस सर ठीक है भाई, तो 46 ग्राम सोडियम का हमने फिक्स कर लिया। अब ये 46 ग्राम सोडियम का ऑक्सीजन के सर्टेन अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है। कितने अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है बेटा, बता सकते हो? 16 ग्राम। 16 ग्राम, क्योंकि एक एटम ऑक्सीजन का है। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का कितना ग्राम लिया? 16 ग्राम, ठीक है। अच्छा, अब ये सोडियम का 46 ग्राम सल्फर के सर्टेन अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है, कितने अमाउंट से बेटा? 32 32। ग्राम, बहुत बढ़िया, 32 ग्राम सल्फर से ये रिएक्ट करके ये वाला कंपाउंड बना रहा है। तो अब ये सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके ये वाला कंपाउंड बनाते हैं, SO2, ठीक है? यस तो पहले हम लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं भाई? अमाउंट ऑफ सल्फर अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे? इन SO2 इज इक्वल टू के टाइम्स अमाउंट ऑफ सल्फर अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे? विच कंबाइंस
with fixed mass of किसका तन्निष्क किसका मास एनए हाँ एनए फिक्स मास ऑफ सोडियम. अच्छा फिर तन्निष्क बताओ एसोटो में सल्फर का अमाउंट कितना होना चाहिए बोलो 32 और ऑक्सीजन का कितना होना चाहिए बोलो 32 इज इक्वल टू के टाइम्स यहाँ पे अमाउंट ऑफ सल्फर कितना 32 अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कितना 32. अरे क्या कर रहा है इस 46 ग्राम से इसका कितना कमाई okay, सर 16 वो मैंने SO का ही SO2 का ही कर दिया. अब यहाँ से K वैल्यू निकाल ले बेटा क्या रही है K वैल्यू क्या आ रही है 1/2 आ रही है. 1/2 सिंपल रेशियो होता है कि नहीं होता है 1:2 सिंपल रेशियो होता है ना. यस सर. तो बस लॉ वेरीफाई हो गया. ओके सर. बाकी लोगों को समझ में आया बेटा. यस सर. यस सर. जिसको न समझ में आया हो बताए फिर से रिपीट कर देता हूं. किसको नहीं समझ में आया अभी भी चलो सबको समझ में आ गया ठीक है भाई. तो अब रोहन. यस सर. अब तुम मुझे तीन एलिमेंट बताओगे और ऐसे ही उनमें से दो दो एलिमेंट का कंपाउंड बताओगे. ओके सर. हाँ बताओ. कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन सोडियम सोडियम कंपाउंड भी बताना होगा समझ लेना. कंपाउंड तुम्हें ही बताना पड़ेगा मैं थोड़ी बताऊंगा. लिखो सोडियम. नहीं सर अभी ना लिखो. तो फिर क्या लिखो बताओ. एल्युमिनियम ले ले सर. ले लो एल्युमिनियम ले लो. अच्छा चलो एल्युमिनियम एल्युमिनियम ले लिया भाई ठीक है. अब तुम कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड बताओ कौन सा लूं. CO2 ले लो. ओके अच्छा एल्युमिनियम और ऑक्सीजन का कंपाउंड कौन सा लूं बोलो. Al2O3. वेरी गुड इसको एलिमिना बोलते हैं ठीक है. ओके सर. अब कार्बन और एल्युमिनियम का कंपाउंड बताओ बेटा. Al2CO3. है कौन से कंपाउंड. चलो अच्छा मैं बताता हूं. अच्छा कोई बता. अच्छा प्रणत को तो बताए भाई. वेरी गुड एल्युमिनियम कार्बाइड Al4C3. प्रणत कैसे पता चला बेटा. सर वैलेंसी देख पे. हाँ वैलेंसी देख जरा बताओ बाकी लोगों को भी ज्ञान दो. वैलेंसी देख करके कैसे. एल्युमिनियम की वैलेंसी +3 या 3
वैलेंसी के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाते भाई, बताया था। और कार्बन की फोर। फिर उसका टोपी घुमा दी, क्रिस क्रॉस रूल। यस सर। आया समझ में भाई? यस सर। ये सबको समझ में आना है Al4C3 फॉर्मूला, इन्होंने कैसे बोला है? यस सर। बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई फिर तो रोहन। यस सर। अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ, अब बताओ फिक्स्ड एलिमेंट किसको लें? सर कार्बन को फिक्स कर दो। कार्बन को फिक्स करें, तो फिर कार्बन का अमाउंट कितना फिक्स करें ये भी बताना तुम्हें। सर 12 ग्राम। अच्छा 12 ग्राम, ओके चलो 12 ग्राम किया। तो इससे इससे ऑक्सीजन का कितना कंबाइन कर रहा है बेटा? 32 ग्राम। 32 ग्राम, चलो वेरी गुड। 32 ग्राम ये ले लिया। अच्छा अब आगे कार्बन का फिर से 12 ग्राम ही लिया। यस सर। और इस 12 ग्राम से एल्युमिनियम का कितना कंबाइन करेगा बेटा? सर उसका एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बस 27 होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम का एटॉमिक मास 27 है। वन जीरो एट ग्राम एल्युमिनियम का किससे कंबाइन करेगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन से। यस सर। अच्छा इसमें कार्बन के कितने एटम है तुझे नहीं दिख रहा है? यस सर। कितने एटम है कार्बन के? 3। यस सर। तो एक एटम का मास कितना है? 12 ग्राम। एटॉमिक मास 12 है ना, तो 3 एटम का मास कितना होगा? 24 है? 36। वेरी गुड। मैंने सोचा कि नई टेबल पार्टी शुरू कर दी क्या तूने? तो नहीं, कार्बन का तो 36 ग्राम है वहां पे। यस सर। तो 36 ग्राम से 108 रिएक्ट करेगा ना, तो तूने तो 12 लिया हुआ है फिर। क्या करना? देखो हमेशा ये थोड़ी सी ये सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, अब इसको समझना। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं, अब ध्यान से समझो। जैसे इन्होंने बोला कि कार्बन को हमें फिक्स्ड एलिमेंट लेना है, कार्बन का मास को फिक्स करना है, तो हमेशा जिस कंपाउंड में कार्बन के ज्यादा एटम हो ना उतना मास को फिक्स करना है। जैसे इसमें कार्बन का एक एटम है, यहां पे कार्बन का 3 एटम है, तो 3 एटम का मास को फिक्स करना है। ठीक है, उससे कैलकुलेशन आपके लिए आसान रहेगा। तो 3 एटम का मास फिक्स रखना है तो 36 ग्राम हम फिक्स कर देते हैं। 36 ग्राम को हम फिक्स कर देते हैं। अब आप देखो कार्बन के 12 ग्राम से ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है बेटा, अब ध्यान से समझो। कार्बन के 12 ग्राम से ऑक्सीजन का 32 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो कार्बन के 36 ग्राम से ऑक्सीजन का कितना रिएक्ट करेगा बोलो? 12 ग्राम से 32 ग्राम, तो 36 ग्राम से कितना? 96 ग्राम। हमने कार्बन का अमाउंट को ट्रिपल किया तो हमें ऑक्सीजन का अमाउंट को भी ट्रिपल करना पड़ेगा। ठीक है, तो 96 ग्राम ऑक्सीजन का होना चाहिए। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। यहां पे कार्बन का एक एटम है, यहां पे कार्बन का 3 एटम है, तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ एटम ऑफ कार्बन होंगे उसके बराबर अमाउंट को फिक्स करना है। तो 3 एटम का मास 36 हो जाएगा, तो 36 ग्राम हमने कार्बन का लिया है।
अब हम यहां पे देख रहे हैं CO2 के अंदर एक कार्बन एटम दो ऑक्सीजन एटम से कंबाइन कर रहा है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो इफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, देन 36 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, अब यहां पे देखो 36 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 इंटू 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. 4 इंटू 27 क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो ये आ जाएगा 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. 108 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. तो अब एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन अगर आपस में कंबाइन करते हैं तो ये वाला कंपाउंड बनता है. तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन Al2O3 इज इक्वल टू के टाइम्स अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन. Which combines with fixed mass of carbon. अब यहाँ पे Al2O3 में दो एल्यूमिनियम एटम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 है, तो 2 into 27 54 ग्राम एल्यूमिनियम का अपॉन 3 ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो 48 ग्राम ऑक्सीजन इज इक्वल टू के टाइम्स अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम जो इसके फिक्स्ड अमाउंट से रिएक्ट कर रहा है वो 108 है अपॉन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 96. ठीक है, तो 54 इंटू 2 108 और 48 इंटू 2 96, 2 कैंसिल हो गया, तो K वैल्यू क्या आ गई, K इज इक्वल टू 1. ठीक है, K इज इक्वल टू 1 मतलब यहां पे एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन उसी मास प्रोपोर्शन में कंबाइन करके Al2O3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं जिस मास प्रोपोर्शन में एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन कार्बन के फिक्स्ड अमाउंट से रिएक्ट करते हैं. ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस सर. तो के वैल्यू यहां भी आप बोलोगे सिंपल रेशियो है, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड. सर 12 ग्राम भी फिक्स कर सकते हैं? हाँ 12 ग्राम भी फिक्स कर सकते हैं. अगर हम 12 फिक्स करेंगे तो इसका तो 32 लेंगे. इधर आप देखो कि 36 से 108 रिएक्ट कर रहा है, तो 12 से कितना रिएक्ट करेगा, मतलब कार्बन का अमाउंट को 1/3 किया है तो एल्यूमिनियम का अमाउंट को भी 1/3 करना पड़ेगा. ठीक है? यस सर. तो भाई सैनी साहब समझ में आ रहा है? हाँ जी सर. यस सर. आ रहा है समझ में? यस सर. चलो बढ़िया. तो एक क्वेश्चन लिखो. लिखो 61.8 ग्राम 61.8 ग्राम ऑफ ए 61.8 ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विथ 80 ग्राम ऑफ बी. 61.8 ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विथ 80 ग्राम ऑफ बी. आगे लिखो 30.9 ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विथ 30.9 ग्राम ऑफ ए कंबाइंस विथ 106.5 ग्राम ऑफ सी 106.5 ग्राम ऑफ सी
आगे लिखो बी एंड सी कंबाइंड टू फॉर्म, बी एंड सी कंबाइंड टू फॉर्म कंपाउंड सी बी टू फर्दर नोट करो, इफ एटॉमिक वेट ऑफ सी एंड बी, इफ एटॉमिक वेट ऑफ सी एंड बी आर 35.5 एंड 6.6 रेस्पेक्टिवली, इफ एटॉमिक वेट ऑफ सी एंड बी आर 35.5 एंड 6.6 रेस्पेक्टिवली सो दैट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, सो दैट द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड तो आपको दिखाना है कि ये रिजल्ट लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। टू पॉइंट जीरो टू टू कैसे तुम बोलोगे कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है? अब यहां पे देखो बेटा, यहाँ पे जो एलिमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं वो है ए बी सी, अप्रोक्सीमेटली वन जो है ये सही आंसर है, अप्रोक्सीमेटली वन आ रहा है। तो एलिमेंट ए का हमने 61.8 ग्राम जब लिया है तो एलिमेंट बी का 80 ग्राम इससे कंबाइन करता है, एलिमेंट ए का 61.8 ग्राम एलिमेंट बी के 80 ग्राम से कंबाइन करता है। अब बोला एलिमेंट ए का 30.9 ग्राम, ये देखना तो ये 30.9 61.8 का हाफ है, 30.9 61.8 का हाफ है, तो हम इस अमाउंट को डबल कर देते हैं। अगर इस अमाउंट को डबल करेंगे तो ए का अमाउंट फिक्स हो जाएगा, तो अगर हम यहाँ पे ए का अमाउंट को डबल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें सी का अमाउंट को भी डबल करना पड़ेगा, तो सी का अमाउंट को डबल करने पे ये 213 आ जाएगा। तो एलिमेंट ए का 61.8 ग्राम एलिमेंट सी के 213 ग्राम से कंबाइन करेगा तो इनका कंपाउंड बनता है। अब बोल रहा है कि बी और सी आपस में कंबाइन करके जो कंपाउंड बना रहे वो सी बी टू है। अब इस कंपाउंड सी बी टू के अंदर सी और बी के अमाउंट का जो रेशियो है तो आप इसको ऐसे लिखोगे, अमाउंट ऑफ सी अपॉन अमाउंट ऑफ बी
इन CB2 इज इक्वल टू के टाइम्स अमाउंट ऑफ सी अपॉन अमाउंट ऑफ बी विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए विच कंबाइंस विथ फिक्स्ड मास ऑफ ए. अब देखो अमाउंट ऑफ सी, अब मैं इसको यहां लिख रहा हूं, तो अमाउंट ऑफ सी यहां पे है, सी का एक एटम है 35.5 अपॉन अमाउंट ऑफ बी, बी के दो एटम है यहां पे, तो 6.6 इंटू टू ये 13.2 आ जाएगा, इज इक्वल टू के टाइम्स अमाउंट ऑफ सी 213 अपॉन अमाउंट ऑफ बी 80. यहां से k वैल्यू निकालेंगे तो k इज इक्वल टू 35.5 इंटू 80 डिवाइडेड बाय 213 इंटू 13.2. ठीक है, अब ये वैल्यू जब हम सॉल्व करते तो ये अप्रोक्सीमेटली 1 आ जाती है ये वैल्यू सॉल्व करके, और ये अगर ये 1 आ रहा है तो 1 इज अ सिंपल रेशियो, तो आप बोलोगे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलोड. ये 2 किसने निकाला था? योगेश? यस सर. तू कैसे निकाला था बेटा? सर मैंने वैल्यू करेक्ट भी कर लिया तूने, 1.01. नो यस सर, मैंने वैल्यू फिक्स नहीं करी. चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अब देखो ये एग्जैक्टली 1 क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ एक्सपेरिमेंटल एरर. ये जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं ना, ये सब मेजरमेंट एक्सपेरिमेंटली कर रहे, तो एक्सपेरिमेंटल डेटा में जो एरर है उसकी वजह से वैल्यू एग्जैक्टली 1 नहीं आ रही. अगर हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए तो एग्जैक्ट वैल्यू के बेसिस पर सॉल्व करेंगे तो के वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाएगी. ठीक है, एक क्वेश्चन आप अपने आप से प्रैक्टिस के लिए नोट कर लो. लिखो अमोनिया कंटेन्स 82.35% 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, ये अमोनिया में ये ऑब्जर्व होता है. वाटर कंटेन्स 88.9% ऑफ ऑक्सीजन एंड 11.1% ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, आगे लिखो N2O3 contains 63.15% ऑफ ऑक्सीजन एंड 36.85% ऑफ नाइट्रोजन. आगे लिखो शो दैट दीज रिजल्ट्स शो दैट
These results illustrate the law of reciprocal proportion. Show that these results illustrate the law of reciprocal proportion. अब मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, बाकी कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर यूज कर लेना, बहुत गंदा कैलकुलेशन है यहाँ पे, ठीक है? तो अगर आप वैसे सॉल्व करोगे तो अपना टाइम खराब करोगे अननेसेसरी, आप कैलकुलेटर यूज कर लेना इसको कैलकुलेट करने के लिए। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का कंपाउंड यहां पे है N2O3, N2O3 के फॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं 36.85 ग्राम नाइट्रोजन का 63.15 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। 36.85 ग्राम नाइट्रोजन का 63.15 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करके N2O3 बना लेते। फिर बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है अमोनिया। अमोनिया फॉर्मेशन के लिए बोल रहे हैं कि नाइट्रोजन का 82.35 ग्राम, 82.35 ग्राम हाइड्रोजन के 17.65 ग्राम से कंबाइन करता है तो अमोनिया बन जाता है। फिर बोल रहा है कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये आपस में कंबाइन करते हैं, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अगर कंबाइन करते हैं तो कंपाउंड यहां पे कंसीडर किया गया H2O। इस कंपाउंड के अंदर बोल रहे हैं ऑक्सीजन का है 88.9 ग्राम और हाइड्रोजन का है 11.1 ग्राम। अब बताती है आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो आपको किसी एक एलिमेंट को फिक्स्ड, एक एलिमेंट का मास को फिक्स करना पड़ेगा। तो हम किसी को भी कंसीडर कर सकते हैं, नाइट्रोजन को भी कर सकते हैं, ऑक्सीजन को भी कर सकते हैं, हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ऑक्सीजन को फिक्स कर लिया, इसका मास को फिक्स किया। अब कैसे मास फिक्स करेंगे, देखो बोल रहे इसके 63.15 ग्राम से इसका 36.85 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, 63.15 से इसका 36.85, तो इसके 1 ग्राम से ऑक्सीजन का 1 ग्राम फिक्स किया, तो इसके 1 ग्राम से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 36.85 अपॉन 63.15 ग्राम। ये क्लियर है बेटा? ये बात समझ में आई? यस सर। अच्छा आप देखो, ऑक्सीजन के 88.9 ग्राम से इसका 11.1 ग्राम रिएक्ट कर रहा है, तो ऑक्सीजन के 1 ग्राम से, ऑक्सीजन के 1 ग्राम से इसका कितना रिएक्ट करेगा, 11.1 अपॉन 88.9 ग्राम रिएक्ट करेगा। अब आप देख रहे हो हमने किसका मास को फिक्स किया है, हमने यहां पे मास फिक्स किया है ऑक्सीजन का, ठीक। अब बाकी जो दो एलिमेंट बचे वो कौन से हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये कंबाइन करके क्या कंपाउंड बना रहे हैं, NH3। अब हम यहां पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इन NH3, कितना, 82.35 नाइट्रोजन का है और 17.65 हाइड्रोजन का है, ये कहां पे, इन NH3 इज इक्वल टू के टाइम्स। अब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमें ये वाला अमाउंट लेना है जो ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करे, तो ऊपर में नाइट्रोजन का अमाउंट और नीचे हाइड्रोजन का अमाउंट हमने लिखा है, तो यहां भी हम ऊपर में नाइट्रोजन का अमाउंट नीचे हाइड्रोजन का अमाउंट लिखेंगे। तो नाइट्रोजन का अमाउंट क्या है, 36.85 अपॉन 63.15 डिवाइडेड बाई दिस। तो अगर डिवाइडेड बाई दिस है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इंटू 88.9 अपॉन 11.1।
ठीक है बेटा। ये समझ में आया ना कैसे लिखा है? तो यहां से k वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है, k वैल्यू आप यहां से कैलकुलेट करोगे। हाँ योगेश बोलो। सर ये स्टार्टिंग में 82.35 आंसर है सर। स्टार्टिंग में क्या था सर? ये यही सोल्व करने से पहले 82.35। हाँ ये तो अमोनिया के अंदर 82.35 ग्राम नाइट्रोजन, यहाँ देखो ना, ये देखो 82.35% ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 17.65% ऑफ हाइड्रोजन। ओके सर। यहां से के वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हो सकता हो कुछ लोगों ने कैलकुलेटर यूज भी कर लिया हो, तो बता दो भाई क्या आ रहा है। बड़े अच्छे बच्चे हो भाई तुम लोग, जो है कैलकुलेटर यूज करते नहीं हो इसका मतलब, ये तो बड़ी अच्छी बात है, वेरी गुड। रोहन तो पक्का है यूज नहीं करता है, रोहन तो कैलकुलेटर मुझे लगता है कभी यूज नहीं किया इसने, वैल्यू देख करके यही लग रहा है। वन पॉइंट जीरो वन जीरो वन ये किसने निकाला भाई? पिछला वाला निकाला था क्या? पिछले वाले की जीरो पॉइंट वन जीरो वन थ्री नाइन ना 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 4.62 ना। यक्ष ने बोला है 1.017, तो यक्ष सही बोल रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेटली वन, के वैल्यू अप्रोक्सीमेटली वन आ रही है, तो मतलब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज फॉलो। ये लॉ पूरा अच्छे से समझ में आ गया बेटा? सर एक एग्जांपल और करा दो सिंपल सी कैलकुलेशन का। सर यस ना, अब मेरे पास एग्जांपल है नहीं, ठीक है, तुम्हें इसी एग्जांपल से काम चलाना पड़ेगा। तो अब लास्ट केस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में फिफ्थ लॉ को डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, ठीक है, तो इस लॉ को गैलुसेक ने इंट्रोड्यूस किया। स्टेटमेंट लिखो लॉ का, लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम का स्टेटमेंट लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, गैसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ गैसेस रिएक्ट्स विथ ईच अदर, gases reacts with each other
इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, गैसेस रिएक्ट विथ ईच अदर इन द सिंपल रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम and if the product and if the product is also present in gaseous state then volume of the gaseous product then volume of the gaseous product also bears a simple ratio also bears a simple ratio with the volume of gaseous reactant if all volumes are measured under similar condition of temperature and pressure, under similar condition of temperature and pressure. ठीक है, तो यहां पे बोल रहे हैं कि अगर हम एक ऐसी रिएक्शन को कंसीडर करते हैं जिसमें इन्वॉल्व रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व है वो गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो बोल रहे हैं कि गैसेस जिस वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करेंगे, ठीक है, वो गैसेस रिएक्टेंट जिस वॉल्यूम रेशियो में कंबाइन करेंगे वो वॉल्यूम रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो होना चाहिए, और बोल रहे कि अगर रिएक्शन में जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो प्रोडक्ट का जो वॉल्यूम इन्वॉल्व है विथ रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट अगर हम उसको देखें तो वो भी सिंपल रेशियो में ही होना चाहिए। लेकिन ये सब कुछ तब होगा जब सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का वॉल्यूम को सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे मेजर किया जाएगा। अगर हम सारे रिएक्टेंट और सारे प्रोडक्ट का वॉल्यूम को सेम प्रेशर और टेम्परेचर पे मेजर करते हैं तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस वॉल्यूम रेशियो में आपस में कंबाइन करेंगे वो वॉल्यूम रेशियो हमेशा सिंपल रेशियो आएगा, इसी को लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे अगर हम यहां पे इस रिएक्शन को कंसीडर कर रहे हैं, नाइट्रोजन कंबाइंस विथ हाइड्रोजन, टू गिव अमोनिया। अब देखो हमने यहां पे रिएक्शन को बैलेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है। तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन में ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन्वॉल्व है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ जो न्यूमेरिक कोफिशियंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ जो न्यूमेरिक कोफिशियंट इन्वॉल्व होता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में, इस न्यूमेरिक कोफिशियंट को हम बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट। तो जरा पहले स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट के बारे में लिख लो।
ये हेडिंग नोट करो, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। डेफिनेशन लिखो इसकी, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट की लिखो, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द न्यूमेरिक कोफिशिएंट, इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड, द न्यूमेरिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्ड is called stoichiometric coefficient, is called stoichiometric coefficient. तो आप बोल सकते हो इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 3 है, और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 2 है। इस रिएक्शन में नाइट्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, हाइड्रोजन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, और अमोनिया का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। ये बात समझ में आ रही है सबको? बोलो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। तो अब देखो, फिर हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि इस रिएक्शन में 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ये लिख सकते बेटा? बोलो। भाई, 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक है, ये लिख सकते हैं यहां पे। अब देखो, अब आप बोल सकते हो देयरफोर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इसको हमने एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया, अगर हमने इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। लिख सकते हैं बेटा? यस सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। जिसको समझ में आ गया उसका रिस्पांस चाहिए। यस सर। अगर रिस्पांस नहीं मिला तो मैं समझूंगा कि आपको समझ नहीं आया। तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 इनटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ठीक, तो फिर हम ये बोल सकते बेटा, देयरफोर ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल। बोलो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रो नंबर के बराबर? Yes, sir. 6 into 10, sir. हाँ, तो ये वही 6.022 into 10 power 23 मॉलिक्यूल को ही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फिर हम ये बोल सकते हैं, therefore 1 मोल नाइट्रोजन कंबाइन, अगर देखो एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल है तो 3 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 मोल होगा। अगर एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 1 मोल है तो 3 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 3 मोल होगा।
तो आप बोल सकते हो वन मोल नाइट्रोजन कंबाइंस विथ थ्री मोल हाइड्रोजन. अरे भाई योगेश क्या कर रहे हो, पैरेलल में काहे क्लास लगा रहे हो भाई. तो वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद थ्री मोल मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन टू गिव टू मोल मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. ठीक है बेटा, लिख सकते हैं ये? यस सर. तो अब जरा देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस मोल रेशियो में कंबाइन करे वो मोल रेशियो क्या है, 1:3:2 है. है ये? यस सर. तो ये क्या है, सिंपल रेशियो है. अरे 1:3:2 सिंपल रेशियो बोलेंगे ना इसको. यस सर. इसका मतलब आप बोल इस रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सिंपल मोलर रेशियो में कंबाइन कर रहे. तो क्या ये सिंपल वॉल्यूम रेशियो में भी कंबाइन कर रहे? अब उसके लिए हमें एक इंफॉर्मेशन को और कंसिडर करना पड़ेगा. देखो बोल रहा है कि इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 atmosphere, वैसे इसका डिटेल मैं आगे आपको बताऊंगा मोल कॉन्सेप्ट में. इफ प्रेशर इज इक्वल टू 1 atmosphere एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू 0°C, देन वॉल्यूम ऑफ 1 mole ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.4 liter होता है बेटा. अगर प्रेशर 1 atmosphere है और टेम्परेचर 0°C है तो 1 mole गैस का वॉल्यूम 22.4 liter होता है. अब ये प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना इसको STP बोला जाता है. इसको बोलते हैं STP. तो आप यहां पे बोल सकते हो एट एसटीपी यहां पे इसका 1 mole इन्वॉल्व है. तो 1 mole मतलब 22.4 liter इन्वॉल्व होगा. 1 mole का वॉल्यूम यहां पे देखो 22.4 liter है. तो 1 mole नाइट्रोजन का वॉल्यूम 22.4 liter होगा. और 3 mole हाइड्रोजन हमने कंसिडर किया तो 3 mole हाइड्रोजन का वॉल्यूम 3 × 22.4 liter होगा. अगर 1 mole का वॉल्यूम 22.4 liter है तो 3 mole का वॉल्यूम 3 × 22.4 liter होना चाहिए. और इसका 2 mole बन रहा है तो 2 mole का वॉल्यूम 2 × 22.4 liter होना चाहिए. तो हम ये बोल सकते हैं कि 22.4 liter ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंस विद 3 × 22.4 liter ऑफ हाइड्रोजन टू गिव 2 × 22.4 liter ऑफ अमोनिया. ये बात समझ में आ रही है बेटा सबको? यस सर. यस सर. ठीक है, ये रिजल्ट कहां से आया अभी इसकी टेंशन मत लो, ये मोल कंसेप्ट में आगे डिस्कस करूंगा. ठीक है, इसको यूज करके ये लिख रहे हैं, ये समझ में आना चाहिए. तो आप देखो 22.4 liter इसका इसके 3 × 22.4 liter से कंबाइन करके इसका 2 × 22.4 liter प्रोड्यूस कर रहा है. तो हम ये बोल सकते हैं भाई इसका 1 liter इसके 3 liter से कंबाइन करके इसका 2 liter प्रोड्यूस करेगा. लिख सकते हैं? यस सर. यस सर. आप जरा देखो जो वॉल्यूम रेशियो गैसेस का आ रहा है वो क्या आ रहा है, देखो 1:3:2 क्या आ रहा है, 1:3:2. क्या ये सिंपल रेशियो है? यस सर. यस सर. तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम फॉलो हो रहा है. तो आप ये बोल सकते हो कि गैसियस फेज रिएक्शन जिस मोल रेशियो में प्रोसीड करती है हमेशा वो उसी वॉल्यूम रेशियो में भी प्रोसीड करती. गैसियस फेज रिएक्शन जिस मोल रेशियो में हमेशा प्रोसीड करती है वो हमेशा उसी वॉल्यूम रेशियो में भी प्रोसीड करती है. ये भी हम लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम के बेसिस पे लिख सकते हैं. ठीक है, तो लॉ का स्टेटमेंट क्लियर हो गया बेटा? सर, अगर प्रेशर और टेम्परेचर सेम ना हो. नहीं, अगर नहीं होगा तो फिर ये रिजल्ट नहीं ऑब्जर्व होगा. ये कंडीशन है प्रेशर और टेम्परेचर सेम होना चाहिए.
सर एक बार ये अवोगैड्रो नंबर वाला स्टेप बता दो दोबारा। कौन सा स्टेप? हाँ बेसिकली बोला कि इसका एक मॉलिक्यूल इसके तीन मॉलिक्यूल से कंबाइन करके इसका दो मॉलिक्यूल बना रहा है, तो फिर इसका 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल, इसके 3 × 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा तो इसका 2 × 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। अभी समझ में आ रहा है? यस। ठीक है, तो 6.022 × 10^23 मॉलिक्यूल 1 मोल होता है, इसका मतलब ये 1 मोल, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से, फिर इसका 3 मोल आ जाएगा, इसका 1 मोल इसके 3 मोल से कंबाइन करके इसका 2 मोल प्रोड्यूस करेगा। एक मोल में अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। कुणाल? यस सर, आगे समझ। थैंक यू। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और फिर मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। ओके बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आफ्टरनून।